बताते चले कि अभी तक 26 प्रोजेक्ट पर करोड़ों के काम किए जा रहे, जिनमें से 17 पूरे हो चुके हैं और 9 पर काम चल रहा है। बैठक की समीक्षा को लेकर हमारे संवाददाता सुनील सुधाकर पांडे ने सीधी बातचीत की है रायपुर निगम के कमिश्नर सौरभ कुमार से। आइए वो भी दिखा देते हैं। के कमिश्नर सौरभ जी हमारे साथ में हैं और आज स्मार्ट सिटी की जो बैठक हुई उसको लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हुई और क्या कॉन्क्रीट तैयारी की जा रही है? आज स्मार्ट सिटी के संबंध में सम्माननीय सांसद महोदय द्वारा एक समीक्षा भी ली गई, योजनाओं के बारे में भी जाना गया, अपने सुझाव भी दिए गए। हम उनके जो सुझाव हैं और जो योजना की प्रगति है उन दोनों पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जब दोबारा हमारी पुनः बैठक हो तब हम एक अच्छा अपना प्रतिवेदन दे सकें, एक अच्छे शहर का स्वरूप दे सकें। अच्छा, कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं, जितनी राशि मिली थी अभी तक स्मार्ट सिटी को रायपुर को, अभी तक उनमें से आधी राशि खाली हो पाई, खत्म हो पाई, काम किया जा सके, तो राशि खत्म ना हो पाने का क्या कारण हो सकता है या फिर उसमें कुछ आगे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूर्व में सोचे गए थे, जिनको नई मेयर व्यवस्था, नई निगम व्यवस्था के अंतर्गत पुनः सोचा जा रहा है। बहुत जल्दी आपको नवीन प्रोजेक्ट्स के DPR और एवं टेंडर मार्केट में मिलेंगे एवं राशि का उपयोग भी होगा। हमको ये भी जानना चाहिए जो राशि मिली है उसमें कई राशि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की है, तो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के लिए उसके उपयोग के लिए है, उसको तुरंत खर्चा नहीं किया जा सकता। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आगे काम करेंगे। थैंक यू सर। तो स्मार्ट सिटी रायपुर के तहत बने हुए जितने भी बनाए गए, जितने भी उपकरण हैं, जितने भी काम हैं, उनको जो नुकसान पहुंचाएगा उसके ऊपर अब कार्रवाई होगी, नए कमिश्नर का ये कहना है। इसके साथ ही जो स्मार्ट सिटी की जो मीटिंग चली, पिछले 2-2.5 घंटों से मीटिंग चली, सांसद जी के साथ पूरे अधिकारी मौजूद थे, उसमें क्या कुछ तैयारी की गई, क्या कॉन्क्रीट प्लानिंग की जाएगी, उन सारे विषयों पर हमने चर्चा की रायपुर कमिश्नर सौरभ कुमार ने। रायपुर से मिथिलेश के साथ JK News 24 के लिए सुनील सुधाकर।